महापौर डॉ. मंगेश श्रीवास्तव ने कहा कि बालस्वर 27 वर्षों से बच्चों की प्रतिभा को पहचान दिला रहा है। शनिवार को सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित समर कैंप के शुभारंभ समारोह में उन्होंने कहा, समर कैंप का शुभारंभ मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद बच्चों ने गणेश वंदना नृत्य की प्रस्तुति की। जिनकी उपस्थिति मात्र से सांस्कृतिक इसके पूर्व कि हम आगे बढ़े, मैं अनुरोध करूंगा प्राची त्रिपाठी से कि हमारे आदरणीय श्री शिव जी साथी हैं और बालचंद परिवार, इन्हें आने वाले 15 दिनों में इस योग बनाने के लिए कृत संकल्प है कि 15 दिन बाद जब इनका प्रदर्शन आप इसी मंच पर देखेंगे तो आपको स्वयं के विश्वास नहीं होगा कि ये बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। अंदर जो प्रतिभा है, जो कला है, उसे विकसित करने का कार्य करेंगे। तो एक बार दो बार तालियां हमारे सभी प्रशिक्षकों के लिए, धन्यवाद। इस समर कैंप के माध्यम से बच्चों को उनके ग्रीष्मकालीन अवकाश में कुछ सीखने को मिले कि आज ये बालस्वर का जो कार्यक्रम है विगत 1996 से सतत चला आ रहा है और ऐसे समय शुरू हुआ जब बालस्वर ही केवल ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता था। इसमें अगर बालस्वर को बच्चों के इस कार्यक्रम का अगर जनक कहा जाए तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि बच्चों को सिखाना इतना दुरूह कार्य है कि जिसका कोई अर्थ नहीं रहता है। बहुत बहुत मुश्किल कार्य है। मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, वो बड़ा आसान लगता था मुझे, लेकिन अगर शायद आप मुझे बच्चों के बीच में 2 घंटे डाल दें तो बड़ा स्थिति बड़ी विचित्र सी मेरी हो जाएगी। तो इन बच्चों को एक संयमित और संयोजित तरीके से आगे बढ़ाना और उनके जितने भी रुचिक वाले कार्य हैं उनका समावेश करना एक बहुत अद्भुत कार्य जो बालस्वर कर रहा है। मैं बालस्वर को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उनके ये कार्यक्रम इस तरह से आगे बढ़ते रहें ऐसी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चे आज तो बहुत ज़्यादा मोबाइल में बिजी हो जा रहे हैं, घर में छुट्टी क्या? देखिए, जो डिजिटल मीडिया है आपने ही दिया है और उसके लिए कहीं ना कहीं हम सबको आगे आना पड़ेगा। इसमें मैं बच्चों का बहुत दोष नहीं देता हूँ क्योंकि बच्चों को आप अपने सुविधा के लिए दे देते हैं कि बच्चों को खाना खिलाना, अच्छा चलो मोबाइल साथ में पकड़ा दिया। ये बिल्कुल, इसके लिए कहीं ना कहीं हम सबको, और हम अपना मोबाइल में बिजी रहे और उनसे कहते पढ़ने को, दोनों तो बड़ा मतलब आपस में विरोधाभासी चीज़ है। तो उन बच्चों को अपने जो आप करते हैं, जो आप स्वयं करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो निश्चित तौर से इन बच्चों को एक सकारात्मक कार्य में जो इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, ऐसे में अगर ये लगेंगे ऐसे कार्यों में तो निश्चित तौर से वो अपने आप ही, जब अगर अभिरुचि का काम मिल जाए तो इन बच्चों को अगर इस डांस परफॉर्मेंस या सिंगिंग परफॉर्मेंस के समय में अगर आप कहेंगे कि आप जाके मोबाइल देख लो तो नहीं देखेंगे, तो निश्चित तौर से आपने कहीं ना कहीं उसके लिए, और ये परफॉर्मेंस एक मिनट में आके यहाँ नहीं प्रस्तुत होता है, उसके पीछे कई कई घंटों का, कई दिनों का, कई महीनों की मेहनत होती है। तो वो सब मेहनत आखिर वो बच्चों ने मोबाइल का त्याग करके ही तो किया है। तो निश्चित तौर से डिजिटल मीडिया का एक अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बुरी चीज़ है। उसे आप इंटरनेट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें तुरंत आपको मिल जाती हैं, रेडी हैंड पे आपको मिल जाती हैं, तो आप उसका सदुपयोग करें लेकिन उसके उसके गुलाम ना बने। बस इतना सा मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।